तुम लोग को सारा फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं फ्रिक्शन का, है ना। अब जो भी पढ़ना है थोड़ा सा इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग वर्क डन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलो? वर्क डन, ठीक है ना। क्या पढ़ना है बोलो? वर्क डन। तीन डेरिवेशन और बचा हुआ है, जहां से क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देख लो। तुम लोग को वर्क का फॉर्मूला थोड़ा सा तो पता ही होगा, अभी वर्क तो पढ़ाए नहीं है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखो कि वर्क का फॉर्मूला क्या था बोलो? एफ एस कॉस थीटा। कितना होता है बाबू? एफ एस कॉस। वर्क का फॉर्मूला कितना होता है? एफ एस कॉस। एफ का मतलब फोर्स, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और थीटा का मतलब होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। किसके बीच का एंगल? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अरे बात समझ में आ रहा ना? अगर हम बोले यहां पे मान लो एक ब्लॉक एम है जिसका मास क्या है? एम। एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है? एम। मान लो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, अरे सुनेगा, मान लो इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ना। अगर इधर से धक्का लगाएं तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल यहां पर कितना डिग्री है बोलो? जीरो डिग्री। अरे बोलो हाँ या ना? कितना है बोलो? जीरो। अरे फोर्स भी ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? जीरो। अगर दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री तो वर्क का फॉर्मूला होगा W इक्वल टू एफ और इंटू क्या होगा? एस। क्योंकि कॉस जीरो डिग्री वैल्यू क्या होता है? वन। तो W इक्वल टू होगा एफ और इंटू क्या होगा बोलो? एस। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं, W इक्वल टू एफ और इंटू एस, फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ाएंगे तो उसमें वर्क पढ़ा देंगे हम तीन टाइप का। कितना टाइप का? एक जीरो वर्क होता है, एक पॉजिटिव वर्क होता है, एक नेगेटिव वर्क होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो जब हम वर्क चैप्टर पढ़ाएंगे तब। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तुम लोग को सारा कहानी याद है बोलो? जब बॉडी मूव करने लगे, क्या करने लगे तो बोलो? उन दोनों तब बोलो कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस, सरफेस के कॉन्टेक्ट के बीच में कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? जब बॉडी मोशन में आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, जब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जीरो से लेके एफ लिमिट तक अपना वैल्यू बदल सकता है, वेरिएबल होता है। क्या तो बोलो? वेरिएबल। एफ लिमिट का मतलब होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है ऐसा फोर्स जिस फोर्स पर क्या होगा बॉडी घिसकेगा नहीं, घिसकने के कंडीशन पर रहेगा। तो जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, अरे बोलो हाँ ना, जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन पर रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन पर बॉडी क्या रहता है? जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन पर रहेगा। पढ़ाए ना सब केसेस याद है ना? कि जब अप्लाइड फोर्स, कौन सा फोर्स? जब अप्लाइड फोर्स एफ लिमिट के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो बॉडी किसमें रहेगा? जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन पर। क्या जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन पर बॉडी घिसक जाता है? घिसकने के कंडीशन पर रहता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिट। अब थोड़ा सा कहानी सुनो, देखो गौर सुनो। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद है, एफ एस इक्वल टू म्यू आर इनटू एन, म्यूएस लगेगा। म्यूएस को क्या बोलेंगे? कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कॉफिशियंट ऑफ, अरे कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है। एफ के का वैल्यू बोलो म्यू के और इनटू। अच्छा, इसका ग्राफ पढ़ाएं क्या तुम लोगों? ग्राफ नहीं पढ़ाएं अभी तक। अच्छा लास्ट में पढ़ा देंगे, छोड़ो अभी पढ़ाएंगे डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद बोलो एफ एल इक्वल टू क्या होगा बोलो? म्यूएस, म्यूएस और इनटू क्या होगा बोलो? एन। ये तीनों फॉर्मूला याद है। इसके बाद पढ़ाएंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या पढ़ाएंगे? एंगल। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला याद हो गया होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। हाँ म्यूएस, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ रिपोज भी पढ़ा दिए। अरे बोलो हाँ या ना? तो एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला थीटा आर इक्वल टू टेन इनवर्स, यही चीज था बोलो हाँ या ना? ये दोनों ही कंडीशन किस कंडीशन पर निकलता है? जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन पर। कौन से कंडीशन पर? जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन पर। इतना दिमाग में होना चाहिए, बात समझ में आ रहा ना? अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन के बारे में हम कुछ कुछ बताए थे, गौर से ध्यान से सुनना। मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है बोलो हाँ या ना? यहां पर एक ब्लॉक जिसका मास क्या है बोलो? एम। तो जाहिर सी बात है नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा बोलो? वेट। वेट नहीं होगा, वेट तो हमेशा जाएगा नीचे की ओर लगेगा। वेट का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओ सॉरी, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक टेंशन भी पढ़ाए थे, टेंशन का ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इतना होना चाहिए दिन को, ये सिंपल चीज है, रोज रोज बता रहे एक ही चीज। तो नीचे की ओर आएगा एक बोलो क्या होगा बोलो? एम जी। ये सरफेस ऊपर की ओर क्या लगाएगा बोलो? नॉर्मल रिएक्शन। इस फोर्स को कोई तो बैलेंस कर रहा होगा, तो नीचे की ओर एक आएगा बोलो हाँ या ना? ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी
अरे बोलो हाँ या ना। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। थीटा वाले डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। एम जी क्या होगा, और इधर गिराने वाला फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, एम जी साइन। यही वो एम जी साइन थीटा है जो इस ब्लॉक को क्या करना चाहता है, गिराना चाहता है। अरे बोलो हाँ या ना। जब ये ब्लॉक को गिराना चाहेगा, जब ये ब्लॉक को गिराना, तो ऊपर तरफ लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि इस बार फ्रिक्शन है। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो ऊपर तक फ्रिक्शन, अच्छा बताओ फ्रिक्शन फोर्स कब तक रोक सकता है, एम जी साइन थीटा को कब तक रोक सकता है, जल्दी बताओ। अरे एफ एल तक रोक सकता है, कहां तक रोक सकता है, एफ एल से ज्यादा रोक सकता है क्या। एफ एल क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है यार, सीरियसली समझा रहे हैं तुम, बात कर रहा है। देखो यहां गिराने वाला फोर्स का नाम क्या, जल्दी बताओ, एम जी साइन थीटा। और एम जी साइन थीटा को कौन रोकेगा, बोलो, एफ एल। एफ एल रोकेगा, बोलो हाँ या ना। एफ एल मतलब कि जब एम जी साइन थीटा एफ एल के क्या हो, बराबर हो। अरे बोलो हाँ या ना। या फिर एम जी साइन थीटा वैल्यू एफ एल से क्या हो, कम हो, तो बॉडी घिसकेगा नहीं। लेकिन जैसे ही एम जी साइन थीटा का वैल्यू एफ एल से क्या हो जाए, ज्यादा, तो ये लुढ़क के गिर जाए। अरे यही ना, तो बहुत अच्छा, देखो इसे सुनना। तो एफ एल का वैल्यू भी इधर निकाल लेंगे। अब देखो याद हो गया होगा तुम लोग को, पिछला क्लास से पढ़ा रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो एफ एल इक्वल कितना हो यहाँ पे, मी वी स्क्वायर इनटू एन। एन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा एफ एल का वैल्यू मी वी स्क्वायर एम जी कॉस। क्या अब हम ऊपर तरफ वाला जो फ्रिक्शन का वैल्यू डायरेक्ट ये लिख देंगे तो समझ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, डायरेक्ट लिखेंगे तो समझ जाएगा ना। क्वेश्चन लिखो आज का, लिखो फाइंड द डेरिवेशन ऑफ, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द हॉरिजेंटल रफ सरफेस, ऑन द हॉरिजेंटल रफ सरफेस। लिख लिया, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी। अरे लिखा कि नहीं, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द हॉरिजेंटल रफ सरफेस। हॉरिजेंटल रफ, वर्क डन कहां कर रहा है, हॉरिजेंटल रफ सरफेस। रफ का मतलब फ्रिक्शन होगा, रफ का मतलब क्या है, स्मूथ होता तो फ्रिक्शन नहीं होता है, बोला है ना, रफ है तो फ्रिक्शन होगा। और किसका डेरिवेशन निकालना भाई, वर्क डन का, क्या निकालना बोलो, वर्क। तो बहुत सिंपल है, देखो एकदम इजी है। देखो यहां ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है जो कि रफ है, क्या बोलो, रफ है, पहले बता दे रहे हैं, क्या बोलो, रफ। अब इस हॉरिजेंटल सरफेस में यहां पर मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है, बोलो एम। इसका मास क्या है, बोलो एम। और ये ब्लॉक पर, ये ब्लॉक पर जाहिर सा बात है यहां पर फ्रिक्शन है। जब ये बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, जब इस डायरेक्शन में क्या करेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करेगा, बोलो फ्रिक्शन। अरे बोलो हाँ या ना, क्या काम करेगा, फ्रिक्शन। तो इधर आएगा फ्रिक्शन, आएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब मान लो ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक को घिसका के, क्या करके, घिसका के इस ब्लॉक को उठा के मान लो यहां ले आया गया, घिसका के। अरे बात समझ में आ रहा कि नहीं। तो यहां से यहां तक ब्लॉक को पहुंचने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन किया होगा। अरे बोलो हाँ या ना। और कौन सा सरफेस है ये, हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल है ना। तो हॉरिजेंटल सरफेस में यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा, और इसी वर्क के डेरिवेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना। क्या बात समझ में आया, बहुत सिंपल है। देखो यहां, तो मान लो कि ये ब्लॉक पर जैसे इधर से फोर्स लगाए, जैसे इधर से क्या लगाए, बोलो फोर्स लगाए, ये ब्लॉक मोशन किया, और ये ब्लॉक मोशन करने के बाद ये ब्लॉक मान लो यहां तक पहुंचा। बात समझ में आ गया। दो तरीका से इसको घिसका सकते, या तो इसको इसको पीछे से धक्का दे दे, या तो इधर से क्या करे, खींच दे। अरे बोलो हाँ या ना। तो जो करना है, या तो इसको पुश करो या फिर पुल करो। अरे बोलो हाँ या ना। अरे नहीं पढ़ाए क्या, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब मान लो कि यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अब तुम बताओ इस बॉडी को कब तक रोक सकता है फ्रिक्शन, एप लिमिट तक, कब तक, जब तक एप लिमिट होगा तब तक ही रोक सकता है, बोलो हाँ या ना। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स एप लिमिट से क्या हो जाएगा, ज्यादा, बॉडी मोशन में आ जाएगा। बॉडी किस में आ जाएगा, मोशन में। ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि इधर के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है भाई, फ्रिक्शन। अरे बोलो हाँ या ना।
द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स एफ लिमिट मैक्सिमम. अरे बोला है ना, हम चाहते हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाए हैं, फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाए हैं जिसकी वजह से बॉडी मोशन कर रहा है, वो मान लो एफ लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा है. कितना ज्यादा है? तो लगभग लगभग तो बराबर मान ही सकते हैं. अरे बोलो हाँ या ना. नहीं समझा. इधर से जो लगाने वाला धक्का है, अरे बात समझ में आ रही है, ये फ्रिक्शन से क्या है, एफ लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा, हल्का सा. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लगभग दोनों क्या होगा, बराबर होगा. दोनों का वैल्यू लगभग क्या मानेंगे, बराबर. ध्यान से सुनना, ठीक है? कंडीशन समझ में आया क्या बोले? यहां पर जो इसको देखो, जब इधर से हम धक्का लगा रहे थे, इधर कौन रोकेगा? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कहां तक रोक सकता है? एफ लिमिट तक. कहां तक रोकेगा भाई? एफ. मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लगाने वाला फोर्स है वो हम बराबर लिख रहे हैं, बट ये क्या है, एफ लिमिट से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या करेगा, मोशन करेगा. हम क्या बोले समझा? कि एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या है, बोलो, ज्यादा, जिसकी वजह से ये बॉडी घिसक घिसक कर यहां से यहां तक पहुंचेगा. अरे बोलो हाँ या ना. जब ये बॉडी यहां से यहां तक आएगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा. बोलो हाँ या ना. ये बॉडी यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ क्या करेगा, बोलो, डिस्प्लेसमेंट. और अगर डिस्प्लेसमेंट किया है, इधर से फोर्स लगा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन हुआ होगा. अरे बोलो हाँ या ना. और वर्क डन के डेरिवेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना. क्या बात समझ में आया? तो सिंपल खेल खत्म. देखो नीचे को एक फोर्स लगेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, mg. ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन. तो यहां से पहला कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, mg. n इक्वल टू क्या होगा, mg. एप लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एप लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, म्यू s और इनटू क्या होगा, n. यहां से लगाएंगे तो क्या होगा, म्यू s और इनटू mg. अच्छा एक बात बताओ, अभी हम जस्ट समझाए कि हम जो लगाने वाला बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए वो क्या लगाए, ब्रो, लगभग लगभग एप लिमिट के क्या है, बराबर है. लगभग लगभग एप लिमिट के क्या है, बराबर. हम बोले कि जो बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है वो एप लिमिट से थोड़ा सा क्या है, ज्यादा. यही बोले ना, थोड़ा सा क्या है, बोलो, ज्यादा, जिसकी वजह से बॉडी मोशन कर रहा है. बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा क्या है, बोलो, ज्यादा. तो लगभग लगभग बराबर ही है. अरे बोलो हाँ या ना. तो एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स का भी फॉर्मूला कितना आएगा, बोलो, म्यू एस एम जी आएगा. अरे आएगा कि नहीं आएगा? हम बोले एप लिमिट एक्सटर्नल फोर्स के लगभग क्या है, बोलो, बराबर. बराबर का मतलब समझो कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं वो एप लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा है. थोड़ा सा क्या है, जिसके वजह से बॉडी मोशन कर रहा है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा तो वर्क डन आएगा. क्या आएगा, बोलो? अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं. अरे बोलो हाँ या ना. डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो, एस. एस क्या है, यहां लिख सकते हैं, एस क्या है, एस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, बोलो, ऑफ द, बोलो, बजा लो, बॉडी. तो नाउ करके लिख लो, नाउ, नाउ वर्क डन, नाउ वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी. ठीक लिखे ना बाबू, नाउ वर्क डन बाय द बॉडी. तो वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टू एफ और इनटू एस. तो W इक्वल टू एफ का वैल्यू म्यू एस एम जी. अरे बोलो हाँ है ना, म्यू एस एम जी. और यहाँ क्या पुट करेंगे, बोलो, एस. दिस इज द वर्क डन ऑन द हॉरिजेंटल रफ सरफेस. कोई दिक्कत है? नोट करो, फॉर्मूला याद रखना.
हुआ जीरो डिग्री हो जाएगा, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री वन, अभी तो पढ़ाए थे ना उधर साइड में। चलो ये क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग वर्क डन पढ़ेंगे, फिर वर्क डन ही निकालना है लेकिन इंक्लाइंड प्लेन में। कहाँ पढ़ेंगे बोलो? इंक्लाइंड। तो लिखो नेक्स्ट सवाल, लिखो फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी। अरे डायरेक्ट जाके न्यूमेरिकल देखेगा ना, तो ऐसे ही रहता है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट के रहता है, समझ में आ गया कि नहीं? फॉर्मूला लगा के आराम से बन जाएगा सारा, तो हम फॉर्मूला पढ़ाई दे रहे हैं ए टू जेड, हो गया। अब इंक्लाइंड प्लेन वाला देखो थोड़ा सा, देखो फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी, देखो फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी, देखो ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन, देखो इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस बार वर्क डन निकालना किस डायरेक्शन में, जल्दी बताओ? अपवर्ड डायरेक्शन। किधर निकालेंगे? वर्क डन ही निकालना है, बट किधर निकालेंगे? अपवर्ड, ऊपर की ओर, ठीक है ना। चलो मिटाएं इसको, अरे मिटाएं, ठीक है। चलो देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन वाला, वर्क का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना ही दिमाग में रखो। देखो ये हमारे पास, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। देखो यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला दिख रहा है कि नहीं? ये वाला क्या है बोलो? इंक्लाइंड। ये एंगल मान लो थीटा, ये एंगल क्या है बोलो? थीटा। हम चाहते हैं, और ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है। कैसा इंक्लाइंड प्लेन है? रफ, रफ है, फ्रिक्शन होगा, क्या होगा? अब यहाँ पे एक ब्लॉक है एम मास, हम इसको घिसका के ऊपर की ओर ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे बोलो? समझ रहा है, किधर ले जाएंगे? ऊपर की ओर घिसका के ले जाएंगे। इसका मास मान लो m है, इसका मास क्या है बोलो? m। यहाँ का कहानी फटाफट बताओ, क्या क्या होगा? इसको हमको घिसका, सुनो सुनो सुनो, इसको हमको घिसका के कहाँ ले जाना है बोलो? ऊपर। तो ऊपर ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर से कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क डन होगा, बोलो हाँ या ना? होगा वर्क डन, अरे समझ रहा है? देखो तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कुछ तो होगा ना, ऊपर तरफ दे देते हैं, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मान लो ऐसे, डिस्प्लेसमेंट कितना है ऐसे, समझ रहा है ना? चलो ध्यान से देखना, गौर से देखना, यहां नीचे को एक फोर्स लगी जिसका नाम क्या है बोलो? mg, याद आया? या होगा एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, बोला है ना? इस नॉर्मल रिएक्शन को तो कोई बैलेंस कर रहा होगा, लो इधर आएगा ये भाई, एंगल क्या होगा बोलो? थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, इधर कितना आएगा बोलो? एम जी कॉस। इसे क्या लिखने का जरूरत था बताओ? गिराने वाला फोर्स का नाम गिरेगा ही, एम जी साइन थीटा से ही गिरना चाहेगा, एम जी साइन थीटा से गिरना चाहेगा। रुको 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 रुको, इस ब्लॉक को अब हम लोग को किधर लेके जाना है? ऊपर। किधर लेके जाएंगे? मोशन हमको ऊपर कराना है। किधर मोशन कराएंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में। अरे यही पढ़ रहे हैं ना हम, तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं हम, किधर पढ़ रहे हैं बोलो? अपवर्ड डायरेक्शन। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब कि एम जी साइन थीटा तो इधर लगता ही रहेगा, ये तो इंक्लाइंड प्लेन की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? अरे समझ रहा है ना, इधर तो एम जी साइन थीटा लगेगा ही लगेगा, बोलो हाँ या ना? इधर एम जी साइन थीटा हमेशा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि डाउन, देखो गौर से सुनना, जैसे ये देखो, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है, हम इसको घिसका के ऊपर ले जाएंगे, तो इधर तो भी तो एक फोर्स लग ही रहा होगा एम जी साइन थीटा, बोलो हाँ या ना? ये तो एम जी साइन थीटा बदल ही नहीं सकता, क्यों नहीं बदल सकता बताओ? ये तो इंक्लाइंड प्लेन की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? ये इंक्लाइंड प्लेन, रुक ना रे भाई तुम, ये इंक्लाइंड प्लेन की वजह से नीचे की ओर लग रहा है क्या? एम जी साइन थीटा। अगर हम इसको घिसका के ऊपर ले जाएंगे, बोलो हाँ या ना? तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मोशन ऊपर की ओर होगा, और फ्रिक्शन क्या करता है? हमेशा मोशन का अपोज, बोलो हाँ या ना? जब इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक को हम ऊपर की ओर घिसका के ले जाएंगे, बोलो हाँ या ना? फोर्स लगा के, बोलो हाँ या ना? तो जैसे ही ऊपर की ओर मोशन होगा, अब फ्रिक्शन नीचे की ओर लगने लगेगा, बोलो हाँ या ना? फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा
किसका अपोज करता है? मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। आप बोलो, जब इसको घिसका के ऊपर की ओर ले जाएंगे तो फ्रिक्शन कहां तक रोकेगा? FL तक। कहां तक रोकेगा? FL तक। मतलब कि अभी तक जो पढ़ा रहे थे MG, बोलो, अभी तक जो FL पढ़ा रहे थे वो नीचे घिसक रहा था तो ऊपर की ओर फ्रिक्शन लग रहा था, लेकिन अब हमको ऊपर की ओर लेके जाना तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे लगेगा। बोलो हाँ, ये ना इधर लगेगा FL। FL का वैल्यू सबको पता है कितना? बोलो जल्दी लिख दे, μs mg cos थीटा। μs mg cos थीटा याद है ना? तो μs mg cos थीटा नीचे की ओर फोर्स लगने लगेगा। बोलो हाँ, ये ना। अब गौर से सुनो, इस ब्लॉक को अब ऊपर ले जाना है। किधर ले जाना है? ऊपर। अब ऊपर ले जाएंगे तो बताओ क्या क्या होगा? दो चीज तो समझ में आया। एक, पहला, n का वैल्यू किसके बराबर है जल्दी बताओ? mg cos थीटा। fl का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। बोलो हाँ, ये ना। fl का वैल्यू कितना होगा? μs mg, बोलो, cos थीटा। μs mg cos। अब अगर इस ब्लॉक को हमको ऊपर ले जाना है, अगर इस ब्लॉक को ऊपर ले जाना तो अब कितना फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा? mg sin थीटा। दिख रहा है गिरी? अब ये mg sin थीटा नीचे खींच रहा है, μs mg cos थीटा से भी नीचे खींच रहा है। अब नीचे, अरे पढ़ाए ना, तो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स अब कैगो है? दो। और सेम डायरेक्शन में होगा तो जुड़ जाएगा। पढ़ाए कि नहीं? सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों क्या होता है? जुड़ जाता। अब हम चाहते हैं कि इस ब्लॉक को ऊपर ले जाना। किधर ले जाना? बोलो, ऊपर। याद है कहानी? पढ़ाए थे एपनेट, अगर कोई बॉडी मोशन करा तो एपनेट इक्वल टू एम ए। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? एपनेट इक्वल टू एम ए। पढ़ाए ये सब, गौर से सुनो। अब बोलो, इस डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा? अब देखो, अब सुनो मेरा बात। इसका मतलब है अब हमको ऊपर ले जाने के लिए, ध्यान से सुनना, इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए हमको कितना फोर्स चाहिए? mg sin थीटा, μs mg cos थीटा से थोड़ा ज्यादा। थोड़ा सा क्या चाहिए? ज्यादा। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, मान लो ये mg sin थीटा, सपोज करो, हम ऐसे नहीं, ऐसे सपोज करने के लिए ले रहे हैं। अरे समझ रहा है ना? मान लो नीचे तरफ ये 10 न्यूटन से खींच रहा है और ये मान लो ये भी 10 न्यूटन है, तो कुछ ले लो 12 न्यूटन से खींच रहा है। कितना न्यूटन से? बोलो। तो नीचे गिराने वाला, जब इसको मोशन करा रहे हैं ऊपर की ओर, तो नीचे खींचने वाला फोर्स कितना हो गया? 22। कितना न्यूटन हो गया? 22 न्यूटन हो गया। अब हम इस ब्लॉक को अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कितना न्यूटन को ऊपर की ओर फोर्स लगाना है? कम से कम 22 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा। यही ना बात समझ में आ रहा कि नहीं? इसका मतलब है कि ऊपर की ओर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, बोलो हाँ, ये ना, बोलो, समझ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स, अरे बोलो हाँ, ये ना, इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन कितना होगा जल्दी बताओ? कम से कम एफ, बोलो हाँ, ये ना, एफ इक्वल होगा कितना? बोलो, एम जी साइन थीटा, और प्लस क्या होगा? μs mg cos थीटा के बराबर होगा, या थोड़ा सा क्या चाहिए? ज्यादा। तभी ये ऊपर की ओर क्या करेगा? बोलो, मोशन करेगा। मतलब इतना फोर्स ही रिक्वायर्ड। बोलो हाँ, ये ना, ऊपर की ओर तो निकल गया, ऊपर की ओर देखो कैसे निकाले, समझ में आया? ऊपर की ओर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो कम से कम कितना चाहिए? mg sin थीटा प्लस μs mg cos थीटा से थोड़ा सा ज्यादा। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो थोड़ा सा ज्यादा को लगभग हम लोग क्या मानते हैं? बराबर। अभी तो समझाए, अब हमको निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है? फिर निकाल लो, नाउ वर्क डन बाय द बॉडी। नाउ वर्क डन, अभी हम क्वेश्चन करा के दिखाएंगे। नाउ वर्क डन बाय द बॉडी, वर्क डन बाय द बॉडी का फॉर्मूला बोलो जल्दी। W इक्वल टू F और इन टू S, खेला खत्ता हूं। F का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, एम जी साइन थीटा, अरे बोलो, प्लस μs mg cos थीटा, और इनटू क्या हो गया? S, खत्म। यहां से चाहे तो mg कॉमन निकाल लो तो आएगा, बोलो, साइन थीटा प्लस μs cos थीटा, ठीक लिखे ना, और इनटू क्या हो जाएगा? बोलो, S। दिस इज द वर्क डन बाय द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द हॉरिजेंटल, सॉरी, इंक्लाइन, रफ इंक्लाइन प्लेन। छापो। अगर समझ गया तो नीचे वाला भी तो कर लेगा, नहीं कर लेगा? अब इसके बाद नीचे वाला पढ़ेंगे। चलो, एन इक्वल कितना होगा? कहां है एन इक्वल कॉस थीटा लिखे? हाँ, तो होगा ही नॉर्मल रिएक्शन, नहीं दिख रहा? ये इसके बराबर होगा, ये तो होना ही है। एफएल इक्वल, अच्छा देखो, μs mg cos थीटा लिखे हैं, हाँ होगा ही, वही होगा ना,
ये तो पढ़ा चुके, पूछ क्यों रहा है आप? या एन पुट करेंगे ना, तो एन का वैल्यू क्या आएगा? मी वेस और एन का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो याद रखना, जब इस ब्लॉक को ऊपर ले जाएंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे, ठीक है ना? तीन नंबर में डेरिवेशन करने भी आता है, ये बात ध्यान रखना। कुछ नहीं, ये सब मत लिखना है, ये 12 और 20 ये सब तो समझाने के लिए लिखा है। और तीन को टॉपिक बचा है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, खत्म। ठीक है, तीन चैप्टर और, सेकंड टर्म आगे पढ़ेंगे हम लोग। ग्राफ छापने के लिए आ जाएगा, तुम लोग एक ही बार अब एग्जाम होगा ना मार्च में, ऑब्जेक्टिव होगा तो सीधे फॉर्मूला बेस सवाल आएगा, धनाधन मारना एकदम, ठीक है ना? डेरिवेशन भी आता है, डायरेक्ट दे देगा ऑप्शन में चार को। अभी देते हैं, एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं, पूछा हुआ सवाल है, अभी करा के दिखाएंगे, ठीक है? फॉर्मूला लिखने का ऑप्शन है। खुआ बाबू लोग लिखा। अच्छा एक बात बताओ, इसी में अगर पूछे, सपोज दैट अगर इसी में पूछे एक्सेलरेशन निकालो, क्या निकालो, क्या निकाल पाएगा? नोट करो, NOT नोट लिखो, अरे हुआ ना, इसी में अगर क्या पूछता निकालने के लिए, अपवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालो, तो किस कैसे फॉर्मूला यूज करेगा जल्दी बताओ? फोर्स तो पता चल ही गया है, फोर्स पता चल गया तो आराम से निकल जाना चाहिए, क्या बोलो, एक्सेलरेशन, समझ रहा है? चलो देखो, मिटाए इसको, हम नोट करके लिखो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और ये अपवर्ड के लिए, अपवर्ड के लिए पढ़ ही रहे हैं, ये तो समझ ही रहा है। तो ये रहा हमारे सामने फोर्स, यही है ना फोर्स, अरे बोलो हाँ, है ना, यही तो है फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन वाला। तो बताओ एफ इक्वल टू क्या पुट करता है, बोलो एम ए, बोलो हाँ, है ना, यहां से एम जी कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, मी वेस, ओहो हाँ ठीक है, इंटू क्या होगा, बोलो कॉस थीटा, यहां से एम खत्म, ए इक्वल टू क्या आया, जी साइन थीटा, और प्लस क्या होगा, मी वेस कॉस थीटा,
निकल गया कि नहीं निकल गया? एक्सीलरेशन कुछ दिखाई दे रहा है? यहां पे एक्सीलरेशन ज्यादा है कि कम है? जी दिख रहा है? हम ए का वैल्यू दिख रहा है क्या? बोले ए का वैल्यू जो है जी से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये कॉस थीटा है, ये क्या है बोलो? एम जी, सॉरी ये क्या आएगा? जी साइन। ये एक्सीलरेशन है ना, चलो लिख लो, जब निकाला जाएगा तब निकाल लेगा। चलो हम तुम लोग से पूछ ही लेते हैं, यहाँ ए का वैल्यू ज्यादा है कि जी का वैल्यू ज्यादा है? किसका वैल्यू ज्यादा है? ए का वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो याद रखना यहाँ से एक टर्म और, कि ए का वैल्यू ज्यादा होता है और जी का वैल्यू क्या होता है? कम। नहीं देख रहा जी में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए का वैल्यू ज्यादा है, ये भी टर्म याद रखना। यानी कि जब बॉडी को ऊपर की ओर ले जाना रहेगा तो एक्सेलरेशन जो है बोलो ग्रेविटी से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या होना चाहिए? ज्यादा। ठीक है, चलो अब ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नीचे वाला, डाउनवर्ड डायरेक्शन, खुद से भी कर लेगा तुम लोग अगर चाहेगा तो। लिखो फिर भी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, वही समझ गया है, लिखना, लिख लो। फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिखो ऑन, कुछ नहीं, कहां कुछ बोल रहे हैं, तीन बार बोले गदालू, सुन भी नहीं कर रहे एक बार में। लिखो फाइंड द डेरिवेशन ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिखा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिखो ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, लेकिन इस बार किधर वर्क डन निकालना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलो देखते हैं, सिंपल चीज है, देखो मिटा दे इसको, फिर से हम ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये टर्म याद रखना कि एक्सेलरेशन का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या होना चाहिए? ज्यादा। बहुत अच्छा, पूछ देता है, चलो आ जाओ। यहां पे बना दिए एक इंक्लाइंड प्लेन, क्या बना दिया भाई? इंक्लाइंड प्लेन। ये एंगल थीटा है। अब ब्लॉक को हमको नीचे घिसकाना तो ऊपर में रख लेते हैं। अरे बोलो, हाँ है ना, इस ब्लॉक का मास एम है, इस ब्लॉक का मास क्या है? तो ज्यादा ऊपर नहीं हो गया, पिक्चरों नहीं समझ, यहां बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहां इस ब्लॉक का मास है, नीचे अगर एक फोर्स लगे जिसका नाम क्या होगा बोलो? एम जी। यहां पर ऊपर तक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इसको कोई बैलेंस कर रहा होगा। ये एंगल क्या होगा बोलो? थीटा। यहां आएगा बोलो एम जी कॉस थीटा। क्या गप कर रहा है तुम लोग पीछे, देखो ना यहां एम जी क्या होगा बोलो? कॉस थीटा। बाहर चल जाओ, सबसे बेस्ट। देखो यहां तो नीचे की ओर क्या होगा बोलो? ये होगा एम जी, ऊपर तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या होगा एम जी कॉस थीटा, गिराने वाला फोर्स का नाम होगा एम जी साइन थीटा। आहा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ध्यान से सुनना। अब इस ब्लॉक को नीचे घिसका के लाना है, कहां घिसका के लाना है? नीचे। तो नीचे मान लो यहां पर घिसका के लाएंगे, इस ब्लॉक का मास क्या है बोलो? एम। समझ रहा है कि नहीं? अब जाहिर सा बात है, जब ये ब्लॉक नीचे की ओर घिसकेगा, मतलब इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा, अरे बोलो, हाँ ये ना एक्सटर्नल फोर्स, समझ रहा है कि नहीं? तो जब नीचे की ओर फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर, इस बार फ्रिक्शन किधर? ऊपर। अरे बोलो, हाँ ये ना, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स का पता सबको पता है, FL = μs और इनटू क्या होता है n,
और यहाँ म्यू एस इक्वल टू एन का वैल्यू एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा बोलो एम जी कॉस थीटा। तो जो जो जानता है यहाँ लिख दो, एन का वैल्यू कितना आया बोलो म्यू एस एम जी कॉस थीटा। अरे बोलो हाँ या ना, एफ एल का वैल्यू कितना आ गया म्यू, ठीक है म्यू एस यहाँ क्या हो जाएगा बोलो एम जी कॉस थीटा। अब सुनो मेरा बात, अगर ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो तुम लोग को बार बार बताएं कि इस डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स हमेशा कितना ज्यादा होना चाहिए, mg sin थीटा का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। अरे बोला यही ना, मान लो नीचे तरफ गिराने वाला फोर्स मान लो 20 न्यूटन है, कितना न्यूटन है समझ रहा है क्या बोले, और ऊपर तरफ रोकने वाला फोर्स मान लो सपोज करो 10 न्यूटन है, कितना न्यूटन है। तो बताओ नीचे गिरने वाला फोर्स का नाम कितना होगा, अरे बोलो कितना होगा नीचे गिरने वाला फोर्स का नाम कितना होगा, तो होगा ये 20 - 10 करेंगे ना, तो जो गिरने वाला फोर्स होगा कितना होगा 10, कितना होगा। तो ये तो बात सिंपल है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा बोलो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द बॉडी, देखो यहां एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स, अरे समझ रहा है कि नहीं, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना होगा जल्दी बताओ। अब बोलो ये जो एफ का वैल्यू आएगा नेट फोर्स वो कितना होगा बोलो एम जी साइन थीटा क्या हो जाएगा ज्यादा, बोलो हाँ ये ना माइनस होगा, कितना होगा बोलो म्यूएस एम जी कॉस थीटा, अभी समझाए ना। चलो बहुत अच्छा, यहां से जो कॉमन वन निकालते ये हमारा क्या गया बोलो फोर्स। अब वर्क डन निकालना, क्या निकालना बोलो, मान लो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट फिर वही कितना है बोलो ऐसे, इसको मिटा देते हो समझ गया, अरे बोलो हाँ ये ना, तो लिखेंगे वर्क डन, नाउ वर्क डन By the body, work done by the body. तो work done के लिए formula W equal to F or into S. तो W यहाँ F का value ये डाल दो mg sin theta. अरे बोलो हाँ या ना, mg sin theta minus ना minus क्या होगा mu s mg cos theta. और into क्या हो जाएगा बोलो S. Into क्या होगा बोलो S. तो यहाँ से common उमन निकालना तो निकाल लो, W equal to क्या common आ जाएगा बोलो mg कॉमन आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ बचा बोलो साइन थीटा और माइनस क्या होगा एम जी कॉस थीटा, मियो छूट गया, हाँ ठीक है वो फुलो फुलो में छूट जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्या समझ में आ गया तो नोट करो, सोच क्या रहा है, मजा आया ना आज पढ़ने में। देखो ये हम जानबूझ के आज थोड़ा स्पीड पढ़ाए, पढ़ाए कि नहीं, पीछे सब समझ गया था इसलिए। कौन बोला कौन बोला कौन बोलो ना कौन बोला कौन अभी क्या बोला तुम लोग जो किसी और के ख्यालों में जी रहा होगा उसी को नहीं समझ में आया होगा, समझ रहा है कि नहीं, क्लासवा में अगर उधर याद करेगा तो यहाँ कहाँ समझ में आएगा बोलो। फैन ऑन कर दे उधर पीछे, निकाल लो सब गया ना, नोट करके लिख लो,
गधा अच्छा से निकालो ना, देखो ना जी का वैल्यू किस बार कम होगा, हाँ ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, ए का वैल्यू कम होगा, देखो अच्छा से देखो, हो गया ये मिटाए, इसको तो मिटा देते थे, ये तो समझ गया, यहां से एक्सेलेरेशन भी निकाल लेना, क्या निकाल लेना बोलो, एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा बोलो, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एफ का वैल्यू तो दिख ही रहा है, वहां से दिख रहा है कि नहीं, कॉमन लेना एम जी, समझ जाएगा, साइन थीटा माइनस क्या होगा म्यू एस कॉस थीटा, यहां से एम ए लिख लेंगे, एम से एम कैंसिल, साइन थीटा और मीवेस क्या होगा बोलो कॉस थीटा, तो यहां से ए इक्वल टू आएगा जी और क्या होगा साइन थीटा माइनस क्या होगा मीवेस कॉस थीटा, तो इस बार ए का वैल्यू क्या होगा कम होगा जी से, ठीक है ना। देखो यहां से ही सवाल एक बार पूछा हुआ था, हम देते हैं तुम लोग, ठीक है ना, ऑप्शन भी दे देंगे अभी देखना मिल जाएगा, हो गया लिख लिया, लिखो क्वेश्चन, चार ऑप्शन देते हैं, लिखो m मास ऑफ ए ब्लॉक, m मास ऑफ ए ब्लॉक, ब्लॉक नहीं समझ आ रहा तो बॉडी लिख लो, ठीक है, m मास ऑफ ए ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन, एक्सलरेशन विल बी, लिखो एक्सलरेशन विल बी, कॉमा करके लिखो एक्सलरेशन विल बी, और ये रहा ऑप्शन दिया हुआ था, दे देना ऑप्शन, दे देते हैं, पहला नंबर में दिया हुआ था ए में, ए में ऑप्शन है जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, बी नंबर में था जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, समझ में आ गया होगा, सी नंबर में है जी साइन थीटा और डी नंबर में है म्यू कॉस थीटा, अभी तो पढ़ाए तुरंत, इसका आंसर क्या होगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूछा हुआ है और को भी वैल्यू दे देगा, तो वैल्यू दे देगा तो समझ जाएगा कि नहीं, अरे बोलो हाँ या ना, चलो हाँ, अरे म्यू देखो जरूरी है कि हर बार म्यू एस म्यू के ही दे आ रहे हैं, कभी म्यू दे देगा तो समझ जाना वो म्यू एस म्यू के का वैल्यू लगभग बराबर ही होता है, लोगो क्या होता बोलो बराबर, अगर एक ही को देगा तो दोनों जगह मी ही यूज करना, नहीं समझ में आया क्या बोले, ध्यान से सुनना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है सिर्फ म्यू दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बोलो म्यू,
तो जब बॉडी मोशन में आएगा तो तुम लोग ढूंढने लगेगा सर म्यू के का वैल्यू होना चाहिए, है ना। तो उस केस में दोनों यही यूज करना, दोनों क्या करना, यही यूज करना। और अलग अलग दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो यही यूज कर देना। बोला हो गया। एक सवाल देते हैं, तुम लोग घर से बना के लाना, ठीक है ना, बोलाए ना, दे दें। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, अरे लिखेगा, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, लिखो व्हेन द बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, कोई बताएगा तुम लोग पीछे की है कौन लड़का ये जो नौटंकी कर रहा है, निकाल देंगे क्लास से तो बस बाहर चला जाएगा, एकदम शांति रहेगा। और भी कोचिंग है ना, चल जाओ पढ़ने के लिए। और तुम लोग पीछे बोलता ही नहीं है कोई, देखो यहां क्वेश्चन दे देते हैं, ये घर से करके आना। यहां पर एक ब्लॉक है ना, क्वेश्चन नहीं बोले, हाँ तो बोले, और लिखो फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर मतलब जो पिक्चर दे रहे उसी पिक्चर से बनाना है। क्या हो गया, लिखा कि नहीं, क्या लिखा है दिखाओ तो थोड़ा सा। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स व्हेन द बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव फ्रॉम फिगर, लिख लिया फ्रॉम फिगर। अब ये रहा, इस ब्लॉक का मास m है और यहां पर जो फोर्स लगने वाला फोर्स है वो मे भी 60 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, यही वैल्यू क्या करना है बोलो, फाइंड आउट करना। और कुछ डाटा दिया है इसमें, m का वैल्यू दिया हुआ है √3 kg, m का वैल्यू कितना दिया है √3, और यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्या बोलो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसका म्यू का वैल्यू दिया है 1/2√3, कितना दिया है बोलो, 1/2√3, ठीक है, इतना ही डाटा दिया है और ये वैल्यू फोर्स फाइंड आउट करने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं, चलो घर से करके लाना, आज इतना ही रखो।